दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2024 जो यहाँ पर भर्ती आई है उसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यानी कि जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आपकी इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो वेरिफिकेशन के टाइम पे किस तरीके का सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, ये मत सोचिएगा भैया फॉर्म को पहले भर देता हूं उसके बाद बनवाता रहूंगा, तो जब ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी वहां पर आपको निकाल दिया जाएगा। तो जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा, और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहां पर नजर आ रहा है, मैंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 2024 की भर्ती का, उसको ओपन कर लिया है। अब इस नोटिफिकेशन में जब आप पेज नंबर 28 पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट नजर आएगा एससी एसटी सर्टिफिकेट का, यानी कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इस तरीके के फॉर्मेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है, यानी कि स्टेट लेवल का फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं किया जाएगा जब भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे। अब भले ही आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या फिर कोई भी दूसरी कैटेगरी कैंडिडेट है जनरल के अलावा, अगर आप ये सोचते हैं भैया मैं फॉर्म को फिल कर देता हूं और बाद में बनवाता रहूंगा, तो जब भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी, जहां पर आपके कागज वगैरह चेक किए जाएंगे, वहां पर दोस्तों जब आपका सर्टिफिकेट वगैरह देखा जाएगा और उनको पता चलेगा जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो फॉर्म बनने के बाद बनवाया है, जो उसमें डेट मेंशन की गई होगी वो फॉर्म बनने के बाद की होगी, तो वहां पर दोस्तों आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे भैया आपने फॉर्म भरने से पहले क्यों नहीं बनवाया, भले ही फॉर्म में लग नहीं रहा था कहीं भी। तो आपको दोस्तों एक काम करना है, आपको सबसे पहले अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्योंकि अगर आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट को बनने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम लगने वाला है, 2 से 3 दिन का, उस बीच में आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनके आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करवाना है, ताकि बाय चांस अगर आपका भर्ती की प्रक्रिया में काम भी हो जाता है तो आपको वहां पर निकाला ना जाए। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि भैया हमारे स्टेट में सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल चलता है, कई बोलते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है, वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। वैसे ज्यादातर तो स्टेट में सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल तक मान्य किया जाता है, और साथ में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप चाहे जितने बार भी बनवा सकते हैं, लेकिन स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट रहता है कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी कैटेगरी का हो वो 1 ही बार बनता है, वो दोबारा से आप नहीं बनवा सकते। तो अगर आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है ज्यादा पुराना हो गया तो आप चाहे तो दोबारा से बनवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट का, भले ही आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आते हो, वही फॉर्मेट के सर्टिफिकेट दोस्तों जितनी भी सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है वो सभी में मान्य किया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं अभी बनवा लूंगा दूसरी भर्ती में वो मान्य किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो वो सब में मान्य होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार बनवा लीजिए, उसके बाद 1 साल तक जितनी भी भर्ती आती है सभी को आप देख सकते हैं। तो वापस से हम बात कर लेते हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट की। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये दोस्तों सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। सेंट्रल लेवल की खासियत क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर जितने भी स्टेट है सभी के नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरीके से भले ही आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हिंदी में बनाया गया हो तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है, लेकिन स्टेट के नाम इसी तरीके से मेंशन किए जाते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर हिंदी में बनना है तो हिंदी में बनवा लीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है वो 3 पेज पर जा रहा है, अगर आपके स्टेट में 1 पेज पर भी जा रहा है या फिर 2 पेज पर भी जा रहा है तो उससे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं फॉन्ट थोड़े ज्यादा छोटे कर दिए जाते हैं तो वो 1 पेज पर भी आ जाता है, कहीं कहीं थोड़े से बड़े होते हैं तो 2-3 पेज पर भी जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखा है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी दे रखा है इन्होंने। इस फॉर्मेट को भी देखने के बाद आपको यही पता चलेगा भैया ये भी सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी कैटेगरी का, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो इसी तरीके के फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए जब भी आप भर्ती की प्रोसेस में आगे जाएं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इन्होंने दे रखा है ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट। अब जब आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन किए जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों पॉइंट दिए जाते हैं सेंट्रल लेवल के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। अब हमारे यहाँ क्या रहता है एमपी में दोस्तों, सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का बिल्कुल सेम टू सेम बनते हैं, बस जो सेंट्रल लेवल वाला रहता है वो इंग्लिश में रहता है और स्टेट वाला रहता है वो हिंदी में रहता है। लेकिन जब हम उन सर्टिफिकेट को ध्यान से देखते हैं अंतर क्या है उनमें, तो पता चलता है इन्हीं 4 लाइनों में अंतर है कहीं ना कहीं। सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट जो रहता है वो सेम टू सेम इसी तरीके का रहता है, और स्टेट लेवल का फॉर्मेट में हो सकता है 1000 की जगह 800 दिया गया हो, वो मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा कुछ ना कुछ अंतर तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी। तो अगर आपके राज्य में भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आपके राज्य में हिंदी में बनाया जा रहा है लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही 3 पेज की जगह 1 पेज पे जा रहा है, 1 पेज की जगह 3 पेज पे जा रहा है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सेम टू सेम फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए अगर आप पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आप मोबाइल या फिर पीसी की मदद से खुद ही फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चाहे तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको पूरी प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।